ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी जेई के बारे में। हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है कि क्या आईआईटी जेई हमारे लाइफ का एंड है। इज आईआईटी जेई दी एंड ऑफ आवर लाइफ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो अभी आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और बहुत सारे ऐसे भी आप लोग स्टूडेंट्स हो जो अभी कॉलेजेस में हो जो ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आपने आईआईटी जेई का एग्जाम हो सकता है उस टाइम पे आप क्रैक नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से आपके मन में एक दुख है आपके मन में कि यार आगे आप लाइफ में कुछ कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो हर लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हो सकता है कोई इंसान 25 साल की उम्र में वीडियो देख रहा, हो सकता है कोई इंसान 30 साल की उम्र में वीडियो देख रहा है जिसके मन में अभी भी वो एक नेगेटिविटी कहीं ना कहीं है, एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो अपने आप को कम समझता है, क्योंकि 10 साल पहले या 12 साल पहले वो आईआईटी के एग्जाम में नहीं फोड़ पाया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूं, क्योंकि इतने सालों से आप लोगों का ब्रेन वॉशिंग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जिस तरीके से हमारे पास में, हम लोग कहते हैं ना कि यार जब से सुशांत सिंह राजपूत के हमारे पास में डेथ की न्यूज आई है, तब से हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बात करते हैं स्टार किड्स के बारे में कि स्टार किड्स को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। उसी तरीके से जैसे हमारे पास में ये जो हमारे पास में सेक्टर है, इस सेक्टर में हमारे पास में जो आईआईटीएन होता है उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। प्रेफरेंस एक्चुअल में मिलती नहीं है जितनी दिखाई जाती है। मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा कि उतनी प्रेफरेंस एक्चुअल में नहीं मिलती, ठीक है, जितनी हम लोग इतना अज्यूम करके बैठते हैं, और हमारे दिमाग में जो ब्रेन वॉशिंग हमारे इतने सालों से हमारे हो रहे हैं, जो टीचर्स करते आ रहे हैं, जो पास्ट के जो आईटीएंस करते आ रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास में मेंटल एक प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने की जरूरत है। अभी हाल ही में क्या हो रहा है, हाल ही में ट्विटर के अंदर में ये आप लोग देख सकते हो कुछ कॉमेडी चल रही है ट्विटर में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी होगा कि ट्वीट ऐसे ऐसे आ रहे हैं, आस्क एन आईआईटीएन अबाउट हिज गर्लफ्रेंड, He will say imaginary, तो imaginary में JEE घुस गया, ठीक है। दूसरा क्या है, Ask an IITian about his favorite biscuit, He will say Parle G, तो Parle G में क्या हो गया, JEE घुस गया। Ask an IITian about his favorite drink, He will say Shikanji, Shikanji में क्या है, JEE घुस गया। Ask an IITian about his favorite game, He will say PUBG, PUBG में क्या हो गया, JEE घुस गया। तो ये चीज अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से यहाँ पर चल रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, ये जो ट्रॉल करा जा रहा है आईआईटी के नाम पे, ठीक है, ये जो हमारे पास में ट्विटर में ट्रेंड कराया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं लिंक है इससे, और अगर हम लोग दोनों चीजों को जोड़ पाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज हम लोग समझ सकते हैं और सबको समझा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरा के क्वेश्चन है, हाउ इज लाइफ आफ्टर आफ्टर फेलिंग इन द आईआईटी जेई एग्जामिनेशन, बच्चों के क्वेश्चन है। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन पे कितने लोगों ने फॉलो किया है, 200 प्लस लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो करके रखा है, मतलब सिमिलर थिंकिंग, सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के हैं। इज जेई मेंस द एंड ऑफ लाइफ, क्या जेई मेन एंड ऑफ लाइफ है, इज आईआईटी जेई द एंड ऑफ लाइफ, 35 लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो करके रखा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लो 68 लोगों ने फॉलो किया, आई डिडंट गेट इनटू आईआईटी इवन आफ्टर अ ड्रॉप ईयर, द फीलिंग ऑफ बीइंग अ लूजर इज किलिंग मी, आई गॉट अ रैंक ऑफ 10K इन जेई एडवांस्ड, आई डिडंट वर्क हार्ड इनफ एंड एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई लेट माई पेरेंट्स डाउन, माई ड्रीम्स आर शैटर्ड, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे आईआईटी का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चों का हो जाता है, जिनका हो जाता है उनका तो बल्ले बल्ले, अब जिनका नहीं होता है उनके दिमाग में हमारे पास में चीजें रहती है कि उनका जो लाइफ है अब वो वापस पैदा नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी बॉर्न अगेन, दे कैन नॉट गिव द आईआईटी जेई का एग्जाम अगेन, एक बार दो बार मैक्सिमम दे सकते हैं, उसके बाद वो आईआईटी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और ऐसा ब्रेन वॉशिंग हो चुका है कि यार आईआईटी ही सब कुछ है, अगर आप आईआईटीएन बन जाओगे तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी सेट है, ठीक है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको बात यहाँ पे समझाने का ट्राई करूँ कि आप सोचो कोई बच्चा है, जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं किया था 2016 में, 2017 में जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया तो मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया था। तो दुनिया के अकॉर्डिंग मान लो मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया, अब मान लो 2016 में मैंने एग्जाम दिया और मेरा कोई फ्रेंड एग्जाम दे रहा था, मैंने भी आईआईटी क्रैक नहीं किया, उस फ्रेंड ने भी आईआईटी क्रैक नहीं किया, दोनों का आईआईटी क्रैक नहीं हुआ। अब वो जो फ्रेंड है वो कॉलेज चला गया, उसको कोई और प्राइवेट कॉलेज मिल रही थी या कोई भी कॉलेज उसको मिल रहा था, उस चला गया, एनआईटी चला गया, सपोज कर लो कहीं पे भी चला गया। अब मान लो मैंने एक साल ड्रॉप लिया और 2017 में मैंने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया, ठीक है, तो अब दुनिया का नजरिया क्या हो जाता है कि आयुष राठी ने तो आईआईटी का एडवांस क्रैक आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया है और अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छी एनआईटी में पढ़ रहा है, ठीक है, और जो उसका दोस्त है वो तो यार ना आईआईटी है ना एनआईटी है, तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है क्योंकि उसने आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं किया था। तो समझ सकते हो एक साल एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से क्या आपको लगता है टैलेंट में कोई फर्क रहा होगा, क्योंकि अगर वो एक साल एक्स्ट्रा पढ़ता तो शायद उसका भी आईआईटी हो जाता, राइट, बट उसने एक साल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा और उसके वजह से उस बच्चे को सुनना पड़ता है कई बार कि यार तू तो आईआईटीएन नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिनरी एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं,
बहुत सारे टीचर्स जो आपको जेई के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि सर आप आईआईटीएन हो, सर आप एनआईटीएन हो, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, तो मैं उनको आंसर कर पाता हूँ कि हाँ बेटा मैं एनआईटी त्रिची से पढ़ा हूँ और मैंने आईआईटी का एडवांस का एग्जाम भी क्रैक किया है। बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिन्होंने अपने एज में आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं करा होता है और वो आज के डेट में आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, राइट, और वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को उन पे डाउट होता है कि यार ये टीचर का खुद का आईआईटी नहीं हुआ था तो ये टीचर हमको कैसे पढ़ाएगा। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी ब्रेन वॉशिंग है जो आपके माइंड में आज तक हो रखी है और इसका इफेक्ट आपको ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत बेकार सोच रह जाएगी आपकी जिंदगी में। जो हार्डवर्क करेगा वो तो आगे निकल जाएगा, ठीक है, आपके सोच की वजह से आप सफर करोगे और जिन जिन लोगों को आप डिमोटिवेट करोगे लाइफ में वो उन लोगों को भी अफेक्ट करेगा जो लोग आईआईटीएन नहीं होंगे या जो लोगों ने अच्छा नहीं करा होगा जेई के एग्जाम में, और वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपकी वजह से आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। आजकल हर जगह यही हो रहा है, यार ये आईआईटीएन है, ये आईआईटीएन है, आप आईआईटीएन नहीं हो, तुम तो आईआईटीएन नहीं हो, हर जगह ये चल रहा है, इसमें कोई नई बात यहां पर नहीं है। मैं आप लोगों को सारे बच्चों को ये समझाना चाहता हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे कि व्हाई डिड माइक्रोसॉफ्ट चूज अ पर्सन लाइक सत्य नडेला हु इज नाइदर फ्रॉम एन आईआईटी और फ्रॉम एन नॉर फ्रॉम एन एनआईटी, ना आईआईटीएन है ना फिर एनआईटी एनआईटी से, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इनको क्यों चूज करा? फॉर अ मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हु सैक्रिफाइस द बेस्ट थ्री इयर्स ऑफ देयर एडोलेसेंस बट स्टिल फेल टू मेक इट एनीवेयर क्लोज टू द आईआईटीज, शुड दे हैव अ न्यू रॉकस्टार टू लुक अप टू? समझ रहे हो? तो हमें क्या करना चाहिए? ये चीज संदीप महेश्वरी सर भी बहुत बार आप लोगों को कह चुके हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये चीज बैठती नहीं क्योंकि हमारी ब्रेन वॉशिंग बहुत तगड़ी तरीके से हो चुकी है। तो हम लोग को यहाँ पर अब सीरियसली इस चीज को समझने की जरूरत है कि आईआईटी इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप आईआईटी क्रैक नहीं भी करते इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपको लाइफ में चाहिए कोई स्किल, आपको लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, रिकॉग्निशन पाने के लिए, फेम पाने के लिए, पैसा पाने के लिए चाहिए कोई एक स्किल। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप किसी आईआईटीएन से कम नहीं हो, आपके अंदर कोई भी स्किल हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो द मैन हु विल लीड बिल गेट्स कंपनी इज नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द आईआईटीज दैट गेव अस ग्लोबल हीरोज। तो आप लोग समझ सकते हो, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईआईटीएन होना कोई बुरी बात है। मैंने भी आईआईटी का एडवांस एडवांस का एग्जाम क्रैक किया, मैंने भी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी थी एनआईटी त्रिची से। बट यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो इंसान, जो लोग आईआईटी या एनआईटी से नहीं पढ़ पाते हैं उनको मैं मोटिवेशन देना चाहता हूं। मेरा इसमें कोई भी ये नहीं है कि आईआईटीएंस बेकार होते हैं, आईआईटीएंस बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसमें स्किल्स अच्छी हैं, जिसमें उतनी स्किल्स है जो एक आईआईटीएन को टक्कर दे सकता है या उससे भी अच्छी स्किल्स हो, तो वो इंसान भी लाइफ में कुछ कर सकता है। उन्हें हमें मोटिवेशन देना चाहिए यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ कि हमें हर समय ये चीज पॉइंट आउट करने की यार ये तो आईआईटीएन नहीं है। और ये आप सब लोग, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज है और आप भी इस चीज का शिकार बन सकते हो आने वाले टाइम में, अगर आपने अभी अपनी सोच को नहीं बदली तो, ठीक है, वरना आप नेगेटिविटी से पूरे घिर जाओगे। यहाँ पर आप देख लो कल्पना चावला का एग्जांपल, द लेट स्पेस एक्सप्लोरर फ्रॉम इंडिया कल्पना चावला हु वेंट टू द एक्सपेडिशन टू स्टडी मार्स फेल्ड टू क्रैक द जे एग्जामिनेशन, फेल्ड टू क्रैक द जे एग्जामिनेशन, शी टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, लेटर शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए फॉर स्टडिंग मास्टर ऑफ साइंस एमएस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम द टेक्सास यूनिवर्सिटी एट अर्लिंगटन, शी देन डिड अ डॉक्टरेट ऑन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ Colorado. Unfortunately, she became a victim of the space shuttle malfunction on the 1st February 2003 and breathed her last on the returning voyage from outer space. Her sacrifice for science will be remembered forever by mankind. तो कल्पना चावला को हम सब लोग जानते हैं, आप देख सकते हो कि she was not an IITian, she was not an NITian, ठीक है। तो अगर हम इतने बड़े बड़े examples देख पा रहे हैं, ठीक है, हमको यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बहुत सारे आईआईटीएन सुसाइड करते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले की न्यूज है कि कोई एम्स का स्टूडेंट था, एम्स दिल्ली का कोई स्टूडेंट था, ठीक है, मुझे पक्की कंफर्मेशन नहीं है, बट कोई सेकंड ईयर या थर्ड ईयर का कोई स्टूडेंट था जिसने सुसाइड कर ली थी। और आए दिन आईआईटीएन सुसाइड करते रहते, ये भी कोई नई बात नहीं है, आईआईटीएन सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर कोई इंसान आईआईटीएन बन गया तो सुसाइड क्यों कर रहा है? अगर दुनिया ये सोच रही है कि आईआईटी कर लेना ही सब कुछ है और आईआईटी नहीं हुआ तो लाइफ एंड हो जाएगी, तो जो इंसान आईआईटी कर लेता है वो क्यों सुसाइड कर लेता है, राइट? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रियलिटी है वो आपके इल्यूजन से, आपके जो ब्रेन वॉशिंग हो रखी है उससे अलग है। तो ये आप देख सकते हैं सुसाइड नोट, डोंट मिस मी, आई एम नॉट वर्दी, एक आईआईटीएन कह रहा है मैं वर्दी नहीं हूं, मेरे को मिस मत करो। आईआईटीएन सुसाइड नोट इज अ हॉन्टिंग रिमाइंडर फॉर एवरी पेरेंट, आई एम सॉरी आई टर्न आउट टू बी सच अ वेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे आईआईटीएंस होते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती है क्योंकि अपने पास में कॉलेजेस बहुत सारे, आज आईआईटी भी कम नहीं है, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास को छोड़ दो, बहुत सारे, खड़गपुर को छोड़ दो, बहुत सारे आईआईटीज हैं। तो हर जगह हर आईआईटीएन को तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम लोग जो करोड़ करोड़ का पैकेज देखते हैं, लाखों का पैकेज देखते हैं, ठीक है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का पैकेज देखते हैं, वो हर आईआईटीएन को नहीं मिलती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से भी स्टूडेंट्स हैं जिनमें स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं अच्छा कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली
चांसेस कम रहते हैं, IITian होने के बाद में सक्सेस पाने के चांसेस हाई होते हैं, बट बहुत सारे नॉन IITians भी बहुत अच्छा अच्छा लाइफ में कर लेते हैं। आप यूट्यूब पे एग्जांपल देख लो, आप किसी भी बढ़िया क्रिएटर को एग्जांपल देख लो जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, बढ़िया से बड़ा यूट्यूब पे आप टीचर इमेजिन कर लो, आप देखोगे कि उसमें से 50% आपको दिखेंगे कि यार वो तो IITian है ही नहीं। आप कहीं पर भी आप चले जाओ, आप कोटा में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप देखोगे कि यार 50% टीचर्स जो हैं वो IITians है ही नहीं। तो अगर 50% टीचर्स ही IITians नहीं है जो आपको इतना अच्छा पढ़ा पा रहे, इसका मतलब वो टीचर अच्छे इसलिए बन पाए, आपको IIT के लिए प्रिपरेशन इसलिए करा पाए, इसलिए नहीं क्योंकि वो 20 साल पहले किसी एग्जाम में फेल हो गए थे या फिर उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, इसलिए क्योंकि वो 20 साल उन्होंने टीचिंग पे एक्सपीरियंस करा, टीचिंग पे आप अपनी स्किल को डेवलप करी और टीचिंग पे आप लोगों को लिए अच्छा सा कंटेंट ला करके दिया, इस वजह से, अपने टैलेंट की वजह से। अब हम लोगों के दिमाग में क्या हो गया कि यार कोई इंसान अगर खुद IIT नहीं कर पाया तो आप लोगों को कैसे पढ़ाएगा, ये हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर हो चुकी है। और हम लोगों के दिमाग में हो गया अगर हम IIT नहीं कर पाए तो हम लाइफ में और क्या ही करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास में बहुत ज्यादा गलत है। यहाँ पर एक चीज समझने की बात है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड टुडे और टुमारो बट इवेंचुअली गॉड विल रिवील व्हाई यू वेंट थ्रू एवरीथिंग यू डिड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनका वो फेस गुजर चुका है, जो बच्चे उनको तो मैंने समझा दिया, बट बहुत सारे ये भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे जरूर, जिनका IIT का एग्जाम हो चुका है और वो अभी भी सोच रहे हैं कि यार क्यों उस टाइम मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्यों उस टाइम मैंने लौंडियाबाजी कर दी, या क्यों उस टाइम मैं इन सब चक्करों में पड़ गई, ठीक है, या क्यों मैंने डिस्ट्रैक्शन, क्यों मैंने फोन इतना चला लिया, क्यों मैंने इंस्टाग्राम इतना चला लिया, क्यों मैंने पढ़ाई नहीं करी, क्यों मैंने क्लासेस मिस करे, आपके दिमाग में आज भी आता होगा। हो सकता है कि आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकता है आज आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आज आप सुधर चुके हो 25 साल की उम्र में, आज आप डेली वर्क कर रहे हो अपने आप को ग्रो करने के लिए, हेल्प अपने आप को हेल्प कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये थॉट कि आप IIT नहीं हो, क्योंकि 16 साल की उम्र में 17 साल की उम्र में आपने कुछ ना कुछ ऐसे जगह टाइम वेस्ट करे थे या फिर आपका ब्रेन उतना ज्यादा शार्प नहीं था जिसकी वजह से आप IIT नहीं बन पाए या फिर NIT नहीं बन पाए, कुछ अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़ पाए। आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, कि गॉड विल रिवील व्हाई यू वेंट थ्रू एवरीथिंग यू डिड। अगर आप हार्डवर्क करते हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो एक बात सत्य है, आपका जो भी रास्ता होता है आपको बहुत प्यारा लगेगा। आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जिस भी तरीके से आप ऑनेस्ट हो अगर तो आप सक्सेसफुल होगे, अगर आप हार्डवर्किंग हो आप सक्सेसफुल होगे, थोड़े लेट से होगे लेकिन जब भी आप होगे ना, देर आए दुरुस्त है, आपको पता लगेगा और आप बिलीव करोगे कि हाँ यार ये जो मेरा रास्ता था, ये जो मैं फेल हुआ ना 16 साल की उम्र में, बढ़िया हुआ तब जाके आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो यही कहते हैं कि यार जैसा मेरा रास्ता था बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, वो हो जाता तो बढ़िया होता, लेकिन अभी भी जो रास्ता है मेरा ये भी बहुत बढ़िया, यूनिक जर्नी है। हर इंसान की यूनिक स्टोरी होती है, हर इंसान की यूनिक जर्नी होती है। तो अगर आप उस फेस से निकल चुके हो ना तो भी कोई बात नहीं, यू स्टिल कैन बिकम एन इंस्पिरेशन। एक इंस्पिरेशन कौन होता है, एक इंस्पिरेशन कौन होता है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो जिसके पास सब कुछ खत्म हो जाए, वो हार चुका है और वहां से वो सक्सेसफुल हुए, वो तगड़ा इंस्पिरेशन होगा, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था 15, 16, 17 साल की उम्र से और वो एक बहुत आगे चला गया लाइफ में। जो इंसान के पास सब कुछ खो जाता है, जो जीरो से वापस स्टार्ट करता है और उठ के उस लेवल तक पहुंचता है और इस इंसान को भी बीट करके आगे निकल जाता है, वो एक असली इंस्पिरेशन होता है। तो आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, आपको अपने डेली डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छा आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे आपको यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, हर तरीके से आपको सक्सेस मिलना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ का एक ही तरीका है, इस चीज़ को, इस थॉट को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो 17-18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे जो वीडियो देख रहे हो, जिनके दिमाग में ये चीज़ है कि यार IITian होना ही सब कुछ है, आप लोग बहुत बड़े भ्रम में हो। मेरा भी यही थिंकिंग था कि यार IITian होना ही सब कुछ है, ठीक है, जब मैं आपके टाइम पे था और JEE की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन जब मैंने IIT का एडवांस का एग्जाम क्रैक किया, फिर जब मैंने NIT त्रिची में एडमिशन ली, जब मैंने वहाँ जाके थोड़ी इंजीनियरिंग करी, मेरे को समझ में आ गया लाइफ इज नॉट व्हाट हम लोग समझ रहे हैं 15, 16, 17 साल की उम्र में, लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। एंड उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया एंड सारी चीज़ें बदल गई। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे IITians हैं, वो उनकी हालत ख़राब है लाइफ में और वो मुझसे सजेशन लेते हैं कि भाई तू लाइफ में इतना अच्छा कर गया यार, हमें भी कुछ सजेशन दे दे यार, हमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी दे दे। ये सिचुएशन तक आ चुकी है बहुत सारे IITians की जो मेरे से कनेक्टेड थे उस टाइम पे, जिन्होंने IIT क्रैक करा था, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों को यार आज से कसम खा लेनी है कि जो आपका ब्रेन वॉशिंग हुआ इसके अगेंस्ट आप लोग सोचना स्टार्ट करोगे। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, जिनकी भी ये थिंकिंग है आपको लगता है उन सबको यार बताओ, अवेयर कराओ, ताकि उनको समझ में आए कि हाँ वो जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हैं, और एक पॉजिटिविटी यहाँ पर हमारे पास में जनरेट हो पाए, ताकि जो ब्रेन वॉशिंग इतने टाइम तक हुई है उसको हम लोग कंपेंसेट कर पाए किसी हद तक, ठीक है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।